शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। असल दंड तो तुझे मैं अब दूंगा। जल्दी बताइए महाराज, दंड कौन सा है? बड़ी उत्सुकता से बैठे महाराज सुनने के लिए। जहां सत्य है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां धन है। इसलिए सुबोध, इस मास से अगले 2 साल तक अपने प्रति मास की पूरी कमाई मेरे चरणों में भेंट करें। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, महाराज खाने के लाले पड़ जाएंगे महाराज, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुन, अगला 2 बरस तक हफ्ता में 2 बार अपना पत्नी को महाराज के पास भेज देना। नहीं महाराज, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। रोना बंद कर, हमारे पास समय नहीं है। इन दोनों में से एक दंड का स्वयं चयन कर। सुन, जुबान और मुजरे बाली में एक ही समानता है, वो कहीं भी अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं सकते। गांठ बांध ले, भेद खुला तो तेरे भभूत को तेरा भूत भी नहीं बचा सकता। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली। जय महाकाली। चिंटू जी बड़ी धार लगा रहे हैं, काटना हाँ। जो पड़ता है हाथ संभाल के। कदम सब्जी, आज सिर्फ तुम्हारे इलाके में एक नया इलाका जुड़ गया है। अच्छा, लालबत्ती विश्व का सबसे पहला और प्राचीन व्यापार वेश्यावृत्ति, जो कहीं भी कभी भी रोका नहीं जा सका जी। ये हर जगह सफल रहा है, फल फूल रहा है, रंगपुर में भी। इस इलाके को लाल बत्ती कहते हैं। खैर छोड़ो, ये लो, ये बड़ा वाला बंडल पूरे गांव के लिए है। बहुत अच्छे। और ये लाल बत्ती के लिए जी। ये गांव के लोगों से अलग कुछ अजीब तरह के लोग हैं, जिन्हें तुमने मेले में नाचते गाते देखा था ना। हाँ हाँ, याद है। ये बेमतलब मुस्कुराते भी नहीं, संभल के सिर्फ चिट्ठियां बांटना, कुछ और नहीं जी। कोशिश करना कि इनकी चिट्ठियां ना पढ़नी पड़े, बिना पढ़े काम चल जाए तो बेहतर है। हमें लगता है चिंटू जी, नरिंदा का दिल जरूर कहीं लाल बत्ती में खो गया। क्यों? अरे दिल की बात तो हम नहीं जानते हैं, दिल तो यहाँ होता है ना। अच्छा? लेकिन एक चीज जरूर खोया उन्होंने लाल बत्ती में, और वो है चुप बदमाश। अरे भले ही बड़े डाक बाबू ने ब्याह नहीं रचाया हो, लेकिन इतना जरूर है कुंवारे नहीं है वो। सुधर जाओ, और ये सब लाल बत्ती का देन है। अच्छा। अरे चले कहाँ, सबको माफ सुनते जाइए। चमेली ऐसे ऐसे मटक मटक के नखरे दिखा के लुभाती है अपने ग्राहकों को। लंबाई है 5 फीट 2 इंच, छाती 40, कमर 32 और कूल्हा 44, और वो बिजली मालूम है ऐसे चिपक जाती है। छाती 44, कमर 36 और कूल्हा 48, बहुत ही मोटी हो गई है, लेकिन तीखी मिर्ची है, खाए नहीं सूंघे लोग ससुआएं। और वो है ना जो रूपाली, बहुत ही नखरे वाली है, ऐसे ऐसे बालों को घुमाती है। और मालूम है कहाँ है उसका माप, लंबाई 5 फीट 2 इंच, कमर 32, कुला 38 और छाती उका है 36। माफ करिए हमें। और सबसे सुंदर रानी, परियों की रानी, बसंती महारानी, और चेहरा उकर मधुबाला जैसन, लंबी नरगिस जैसी और हेलन जैसी उका चाल, और बदन उका लचके ऐसे 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 जैसे मंजुरा अंबुआ के डाल। या घिराई कारी बदरिया।
अरे अरे अरे, ये क्या? आपने तो हमें गीला कर दिया। खैर कोई बात नहीं। चमेली, रूपाली, बिजली, कहाँ सब? नमस्ते। हमार नाम है चमेली। वो जलेबी बड़ी रसीली। अरे हम कच्चू सो, हम कच्चा टो, बस थोड़े से दाम में बाबू। अरे चाचा, शुक्रिया। नदी है बाबू, नदी। अच्छा अच्छा। और उसके साथ तो आपको कूदना भी पड़ेगा, डूबना भी पड़ेगा। हमरे पास आओ, बरखा है बरखा। कैसी बरखा? बस लेटे रहना। क्यों लेटे? बाकी काम हमरा। क्या मतलब? आपको भिगोएंगे भी। भिगोएंगे? आप हाथ मत लगाएंगे भी। अरे हम नहलाएंगे भी। हम समझे नहीं। मन हल्का, मन पवित्र हो जाएगा बाबू। ठीक है, नाराज हो गए अपने रूपाले से। ओए बरखा हट। अरे क्या हुआ? बरखा को मिलकर बिजली को भूल गए का? दिन हो या रात, छोड़ो नदी बारिश की बात। दो नहीं, दो बरस का मजा चखा दूंगी, आओ मेरे साथ। अरे हम कमाल कर रही हैं, आप लोगों के नाम चिट्ठियां आई हैं, हम तो सिर्फ। ओ बाबू, एक म्यान में अगर तीन तलवार बारी बारी से जाएं तो हो सकता है, पर अगर एक तलवार तीन म्यान में तो भैया ना तो तलवार रही है ना ही धार रही है। फिर भी अगर चाहो तो इन तीनों को ले जाओ, मजा मारो, पर देखो एडवांस में पैसा दे दो। कितना चमेला आता जाओ समझा जाके। देखिए आप समझ नहीं रही हैं। कैसे हो? अरे आप कमाल कर रही हैं, इन तीनों के नाम चिट्ठी आई हैं, हम तो सिर्फ देने आए हैं। तो तुम्हें डाक बाबू ने भेजा? पिछली बार बड़ा परेशान किया था इन मक्खियों ने, इसीलिए इस बार तुम आए हो। बूढ़ी बात और टूटी खाट, अपने लोगन को ही परेशान कर रहे थे। तुम का हो? चंदन मिश्रा। हमारा मतलब नहीं डाकिए, अभी नए नए आए हैं हम यहाँ। नया नया जूता हो या कुत्ता, काटता दोनों है। हम आपकी बात नहीं समझे। एक घर की रखवाली करत है और दूसरा टांगों की। देखिए हमें वो सब नहीं मालूम, हम तो बस चिट्ठियां देने आए हैं और देखिए हम जा रहे हैं। देखो यहाँ की लड़कियां बड़ी अजीब है, लड़कियां नहीं है मक्खियां हैं। कोई भी गुड़ की ढेली देखती है तो चिपक जाती है, दिख रहा है। और अगर वो ग्राहक नहीं निकला तो उसको भड़वा बना देती है। ए गंदी बातें मत करो, चलो बैठो, छोड़ो से। का नाम है तुम्हारा बबुआ? भूल गई हाँ। ओ, याद आया। का? चंदन। चंदन जी। चलो वहाँ बैठो। नहीं नहीं हम ठीक हैं। अरे बाबू जी, हम गंदे जरूर हैं लेकिन हमार जगह हर रोज धुलती है जी। आ दूध का धुला, बैठ जा, यहाँ धोया है हमने। लीजिए बैठ जाते हैं, ऐसी क्या बात है? रे? ए डाक बाबू जी, पहले बिजली की चिट्ठी पढ़ दो ना, देखो ना बेचारी की क्या हालत हो गई है। जी हम पढ़े? हाँ। नहीं अब समय नहीं है ना, अब और भी बहुत सारी चिट्ठियां बांटनी है, फिर कभी। हाँ? अभी हम चलते हैं। ए बैठ जा, हम नंगे लोग हैं। हाँ? और हमाम में कोई कपड़ा पहन कर आ जाए तो का होगा? का होगा? कपड़े के चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? और ऊका बाद वो बाहर जाने के लायक नहीं बचता है, इसलिए पढ़ पढ़ पढ़। आप तनिक। हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिजली, कैसी हो तुम? समझ सकता हूँ कैसी होगी तुम, घायल की गति घायल ही जाने। हमारा हाल भी पूछो मत, बड़े घमंड से हम दोनों कहा करते थे ना कि मौज मनाओ मस्ती में, आग लगे बस्ती में। उस सब दिन याद करके हमारा दिल बहुत मचलता है, अंग अंग में सेरन सी होने लगती है और फिर जी करता है कि कहीं तोड़ फोड़ कर दूं, मगर जब भी तेरे दांत कटे दांत, नाखून से खरोचे निशान देखता हूँ तो गाल पे हाथ रखकर सोचने लगता हूँ कि तू रात कब आएगी, जब नागन के समान फुनकार फुनकार कर तू ढंग पे ढंक मारती जाएगी और तड़प तड़प। अरे बाबू थोड़ा जोर से पढ़ना रे। हाँ ये तूने लिखा है का? काहे सर मारा है? नहीं नहीं हम क्यों शर्माएंगे, हम बहुत बेशर्म है। हाँ बस अब तो भगवान का ही भरोसा है, प्रार्थना करो कि घर में कोई बीमार पड़ जाए ताकि बहाना करके वहाँ आ जाऊँ। और क्या लिखूँ, तुम्हारे इंतजार में व्याकुल, तुम्हारा मोहन प्यारे। अरे बिजली वाह, तू कैसे नागन है रे? हाँ
जो तुझसे डसवाने के लिए अपने परिवार को बीमार करने की प्रार्थना कर रहा है। अरे उके काटने का तो इलाज भी है, पर ईके काटने का इलाज सिर्फ ई है कर सकती है। साला रंडीपने की बात करता है, रखे रखता है पर पैसे नहीं भेज सकता। वैश्या को पैसा चाहिए, तू कितना कमाता रे? पैसे की बात हुई कहाँ है? अच्छा चल कोई नहीं, तू चिट्ठी पढ़ दे, ई का पैसा हम देंगे। एक और चिट्ठी, हमें जाना था, बहुत देर हो गई है। पढ़ते हैं पढ़ते हैं। बेटी चमेली, माँ का स्नेह भरा प्यार। क्या माँ? माँ का स्नेह भरा प्यार। कैसी है रे तू, अपना ध्यान ठीक से रखती है या नहीं? सेहत का ख्याल रखना, अपने पापड़ गृह उद्योग की मालकिन पद्मावती जी को सादर नमस्कार कहना, यहाँ सब अच्छे हैं। और तुम लोगों का पापड़ गृह उद्योग कैसा चल रहा है? उम्मीद है अच्छा ही चल रहा होगा, जहाँ तुम जैसी लड़कियाँ मेहनत जी जान से कर रही हो, उन्हें तरक्की से कौन रोक सकता है? अगर हो सके तो अगली बार पैसा थोड़ा बढ़ा के भेजना, क्या करें, भगवान ने जिसका जीवन बोझ बना दिया हो वो अपनों पर तो बोझ बन ही जाते हैं। माफ करना, अपना ध्यान रखना, तुम्हारी माँ। घबरा मत माँ, अगली बार मैं जरूर ज्यादा पैसा भेजूंगी। इसके लिए चाहे मुझे खुद को और अधिक काहे ना परोसना पड़े। अरे सुन रही, रोले रोले अच्छी तरह से रोले, जब तक रोना धोना सुख दुख है तब तक मानो जिंदा है, नहीं तो सांस तो चलेगी लेकिन एहसास मर जाएगा। भाई बाप, दाद, चल भाई बाप, चल महाराज के सामने, भाई बाप, चल कुत्ता, बच्चा पैदा करेगा साला कत्तार, चोरों का बाप। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। साले है? बाप बनने चला था, अब कम मर्दानगी घर छोड़ कर आया है, जो महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहा है गिरदड़ की तरह। उठो, बताओ परिचित हो मुझसे? जी महाराज। मैं पांचवी पीढ़ी का सबसे धर्म निरपेक्ष महापुरुष हूं, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है कि तूने संतान प्राप्ति के लिए माता के पास ना आकर मुसलमान फकीर के पास क्यों गया, ऊंट का मांस क्यों खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों जैसा नहीं हूं, विशुद्ध व्यवसायी हूं। मेरे लिए सबसे प्रथम मैं हूं, उसके बाद देवी अर्चना, पंचायत, समाज, रीति रिवाज। एकदम बिजनेसमैन। अब जो मैं तुझे दंड दूंगा वो इसलिए नहीं कि तू मुसलमान फकीर के पास क्यों गया, वो इसलिए कि तूने अपना मुख क्यों खोला। वाह, तो दया से भी दयालु निकले महाराज, आपके विचार बड़े महान हैं। हाँ हाँ महाराज, ये गांव का, ये पूरा इलाका में ऐसा कोई आदमी नहीं है हाँ, जिसका सोच हाँ आपके विचार से मेल खाता हूँ महाराज। वाह महाराज वाह, जय हो जय हो जय हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़ा व्याकुलता पिता बनने के लिए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। समस्या क्या थी? ये तो एक तुच्छा कार्य था, अपनी पत्नी को भेज देता मेरे पास। अरे तू अगर दो शिशु का जन्म दे सकता है तो मैं तो एक महापुरुष हूं, एक ही बारे में 10 शिशु जन्म ले लेते। अब ठीक कहते हैं महाराज, भूत का मांस खाने की बजाय हमको अपनी पत्नी को आप ही के पास भेजना चाहिए था। चंडाल भूल तो तूने की है, परंतु तू मूर्ख भी है, मूर्ख, क्योंकि मेरे लिए अल्लाह का वरदान और माता का फरमान सब एक समान है। समझ गया महाराज, असल दंड तो तुझे मैं अब दूंगा।
जल्दी बताइए महाराज, दंड कौन सा है? बड़ी उत्सुकता से बैठे महाराज सुनने के लिए। जहां सत्य है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां धन है। इसलिए सुबोध इस मास से अगले 2 साल तक अपने प्रति मास की पूरी कमाई मेरे चरणों में भेंट करें। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, महाराज खाने के लाले पड़ जाएंगे महाराज, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुन, अगला 2 बरस तक हफ्ता में 2 बार अपना पत्नी को महाराज के पास भेज देना। नहीं महाराज, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। रोना बनकर हमारे पास समय नहीं, इन दोनों में से एक दंड का स्वयं चयन कर ले। जा। और सुन, जुबान और मुजरे वाली में एक ही समानता है, वो कहीं भी अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं सकते। गांठ बांध ले, भेद खुला तो तेरे भभूत को तेरा भूत भी नहीं बचा सकता। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली, जय महाकाली। पकड़ा गया। चोर कभी कानून से नहीं भाग सकता, उसे जेल में डाल दो। क्यों रे खंसु, मना किया था ना इसके साथ खेलने को, और तुम लोगों को भी मना किया था ना, अगर घर वालों को पता चला तो घर से बाहर निकलना और खेलना सब बंद हो जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और जाके खेलो। चलो चलो। लेकिन ही के साथ नहीं। ओले 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 ओले, इतना बड़े होके रोते हैं, हमारे साथ खेलोगी, हमारी दोस्त बनोगी? इतने बड़े होकर तुम रो रहे हो, चुप हो जाओ। तुम भी तो रो रही हो, तुम चुप हो जाओ। पहले तुम चुप हो जाओ। अच्छा हो गया। आजा राजा, आना रे, आजा आजा आजा, आना रे। तू कितना बोला था रे? 20 लूंगी। तलाट? अरे 15 चल 10 में आती हूँ, लेकिन उससे नीचा नहीं लूंगी। अरे नहीं, तू क्या बोला था रे? तुम्हारे पास कितना है रे? हमारे पास ये देख, पूरे 5 रुपया है। धत तेरी की। नहीं तो फिर साला इतना भाव तोल करके क्या? चल आधे मिनट में। अरे आ रही हूँ रे, चल चलना। साला 5 रुपए में दुनिया मांगता है। ए बिजलिया, ए चिकने, आनंद आ जा, चल चला ना। कहाँ? बहुत दिनों के बाद तू पहले नहीं देख। ए अरे चल रहे, चल की जगह लेगी तू लाल बत्ती में? तुझे खेल लगे है सब? कैसे देख रहा था तुझे? ची खेलने का बड़ा शौक है ना तुझे? ले, तेरे माँ की खेल की कमाई है, ले खेली के साथ। अरे यार रंडिया, कितना देर लगाएगी रे? आ रही हूँ। तो का तो मालूम है हमार कोनो इज्जत नहीं, लेकिन अगर तू आज के बाद उस बच्ची की तरफ देखा तो सबके सामने नंगा करके
तो हर आंख नोच लूंगी। लेट जा, बसंती आ रही है। जाए यहां से अब। तितली, चल रही, मत रो मत रो। चल तुझे कहानी सुना। कहानी सुनेगी? चल तुझे कहानी सुना। आ जा रही, आ जा। तो का कहानी सुना। मजबूर ना ही हमार बच्ची तितली, ऊ तो ना कुछ मांगती है ना शिकायत करती है, ऊ तो सिर्फ प्यार करती है। हाँ, उका देखकर हम तुच्छ हो जाते हैं, ठान लेते हैं कि हम उका कमी को पूरा करेंगे, जतन करेंगे। तभी दूर पगडंडी पे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे याद आया, आज तो हाट है, जहां लोग अपनी अधिकता को बेचकर कमी पूरी करते हैं। हम भी चल पड़े, पहुंचे, बेचने वालों की कतार में खड़े भी हो गए, साथ में चीखने भी लगे, आओ आओ ले जाओ मुस्कुराने का 5 रुपया, ठहकाने का 10 रुपया, हंसते हुए रोने का 20 रुपया। प्रेम बेचने आए हैं हम, प्रेम बेचने। दोपहर शाम में बदल गए, दाम कम किया, पर कोई ग्राहक नहीं। उधार का भी न्योता दिया, पर कोई ग्राहक नहीं आया। हाँ। बहुत थक गए थे हम तितली, बहुत थक गए थे। सामान हाथ पर, कंधे पर, सर पर उठाया जाए तो उसका बोझ सह सके, मगर दिल का बोझ वो तो संभाले ना संभले रहे। पर का करे, करना पड़ता है रे, संभालना पड़ता है।
थक हार के हम चल दिए। ये सोचकर खुश थे कि अच्छा है, जब तक पहुंचेंगे हमारी तितली सो जाएगी। कब तक चली याद नहीं, समय का भेद मर सा गया था। फिर अचानक एक सरसराहट हुई और कोई झट से हमार गोद में आ बैठा। हम देखे तो ये हमार तितली थी, हमार तितली जो अपनी मुस्कुराहट से हमारा आंसू पोंछ रही थी। हम भी जोर से भींज लिए, आंसुओं का आशीर्वाद दिया और कहे, ना तितली ना, हम प्रेम ना ही बेचेंगे, किसी को ना ही बेचेंगे, ये सिर्फ तेरे लिए है मेरी बच्ची, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अरे ये तो सो गई, आ हमारी बच्ची सो गई, तो का सुलाऊं।